आप देख रहे हैं समय न्यूज आवाम की आवाज। रायगढ़ जिले के विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नरकालो के ग्रामीण इन दिनों बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन जीने को मजबूर है। नरकालो गांव के ग्रामीण सड़क और पुलपुलिया तथा पीने के शुद्ध पानी के लिए पिछले कई वर्षों से भटक रहे हैं। ग्रामीण दूर दूर से पानी लाकर प्यास बुझाने को मजबूर है। इस गाँव की हकीकत के बारे में आप इन तस्वीरों को देख कर सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ के ग्रामीण आज के डिजिटल युग में भी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पुराने जमाने की तरह ग्रामीण जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बता दें, पूरा वाकया रायगढ़ जिले के विकास खंड धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत नरकालो की है, जो कि धर्मजयगढ़ से चंद कदमों की दूरी पर बसी है, जहां लोग पुलबलिया नहीं होने से नाव में नदी पार कर आवागमन करने को मजबूर है। लोगों का कहना है, पानी के अभाव में ग्रामीण नदी नाला और टोहड़ी का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। जबकि धर्मजयगढ़ विकासखंड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ये इलाका जिले का सबसे पिछड़ा हुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, जहां पर आदिवासियों के उत्थान के लिए प्रतिवर्ष शासन प्रशासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, फिर भी यहां के हालात बद से बदतर है। ऐसे में इस क्षेत्र में क्या विकास हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। जहां के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर हो, न पीने का पानी, न स्वच्छ पानी और न ही आने जाने के लिए सड़क, न ही पुल पुलिया, न ही प्रधानमंत्री आवास और न ही शौचालय बने, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहां पर और क्या विकास हो रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी नरकालो गांव के ग्रामीण नारकी जीवन जीने को मजबूर है। शासन प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है, या यूं कहें सिस्टम के फेल होने का जीता जागता नमूना। ग्रामीणों के माने तो आज तक ना यहां सरकार के नुमाइंदे पहुंचे और ना ही यहां के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि। चुनाव आते ही यहां विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेता तरह तरह के लोक लुभावन सपने दिखाकर वोट मांगने जरूर आते हैं, पर जैसे ही चुनाव खत्म होता है, सफेद पोश लोग क्षेत्र से नदारद हो जाते हैं। ऐसे में यहां की जनता बेचारी क्या भी कर सकती है। इस आलम में अच्छे दिन कब आएंगे, इसकी आस लगाए नरकालो गाँव के ग्रामीण किसी तरह अपनी गुजर बसर चला रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा विनीता राठिया। कौन गांव के हैं? नरकालो। क्या करते हैं? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? अभी धर्मजयगढ़ से। अच्छा, ये नदी में कैसे करते हैं, कैसे पार होते हैं? नदी में नाव है, उसी से पार होते हैं। अच्छा, कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। पुल बना कि नहीं बना है? नहीं बना है। क्या नहीं बना है? पुल नहीं बना है अभी तक। इधर कौन कौन सा गाँव पड़ता है? नरकालो और कलमी टिकरा, फतेहपुर उदुदा। अच्छा, बहुत सारे गांव हैं इधर। जी, क्या नाम है आपका? धनमती राठिया। कौन गांव? नरकालो। धनमती, क्या कुछ समस्या है? हाँ, हमारी मोहल्ले में बोर और कुछ नहीं, हम लोग को दूर पानी लेने जाना पड़ता है। अच्छा, बहुत दूर से पानी पीते हैं? हाँ। आपके मोहल्ले में कोई हैंडपंप वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा, कितना परेशानी होता है दूर का पानी पीते हैं तो? बहुत परेशानी होता है। नाम है आपका? युवराज कुमार राठिया। क्या है आप यहाँ? मैं ग्राम पंचायत नरकालो का सरपंच हूँ। युवराज जी, ये कौन सी नदी है? ये मांड नदी है, बैसी और नरकालो के बीच में पड़ी है। अच्छा, इधर कौन कौन से गांव, कितने गांव पड़ते हैं? इधर बहुत सारे गांव हैं, जैसे कि रूपुंगा, फतेहपुर, उदुदा होते हुए इधर से बोरो तक जाते हैं, इधर कोरबज सीमा से है, कलमी टिकरा, गिरारी, गितवारी। अच्छा, युवराज जी बताइए कि इस नदी में पुल कैसे नहीं बना अभी तक? अब बीजेपी कार्यकाल में भी अब पुल नहीं बना, आश्वासन ही मिला। अब कांग्रेस की सरकार आई है तो वो आश्वासन ही मिल रहा है सर। अच्छा, तो यह कैसे पार करते हैं लोग? अब डोंगा में पार करते हैं नाव। अच्छा, तो बच्चे इसमें स्कूल आना जाना करते हैं? आना जाना करते हैं सर, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, किस जान जोखिम में डालकर स्कूल में जाते हैं और आते हैं, और आम जनता के लिए भी बहुत परेशानी है। धर्मजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।